हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम हो रहा है अभी 11:35, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरा एक अपॉइंटमेंट रहता है पीसीसी का, तो आज का प्लान वही है। आज मुझे जाना है, फिर मुझे सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा मुझे एक कॉल आया, तो मुझे जाना है ऑफिस पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब निकल रहे हैं एसपी ऑफिस। तो मुझे लग ही रहा था कि मेरा कॉल आने वाला है। अब मैं पहुंचने वाला हूँ बस, जो यहाँ पे हेड ऑफिस है एसपी ऑफिस। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको काम खत्म करके। तो फाइनली हो गया अपना काम, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा ऊपर। सोच रहा हूँ तो आज थोड़ा घूम लूँ, मज़ा आएगा, क्योंकि आज ऐसा कुछ काम है नहीं मुझे। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जितने भी वर्क होते हैं वो सारे हो चुके हैं मेरे। पीसीसी अभी कंप्लीट हो गया है और वैक्सीनेशन भी हो गई है अपनी, दोनों डोज हो गई है। क्यों हो गया इतना ट्रैफिक? पिछले एक दो सालों से ट्रैफिक इतना हो गया कि पता नहीं क्यों हो गया इतना ट्रैफिक। पहले इतना ट्रैफिक नहीं होगा देहरादून में, अब तो भाई मतलब बड़ी से बड़ी रोड हो या छोटी से छोटी रोड हो, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो ये जो प्लेस है, ये जो टर्न है, इसके आगे एक जगह आती है जान करते थे जॉब, जॉब नाम है वाना रिट्रीट्स। तो यहाँ कुछ साल पहले मैं जॉब करता था, तो जो कि है मैक्स हॉस्पिटल जो यहाँ पर, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है मैक्स वालों की, वो वाना रिट्रीट्स। तो मेरे लिए वो जगह काफ़ी स्पेशल है, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो बहुत सारे मेरे ऐसे सीनियर थे, मेरे कॉलीग थे, उनसे मैं सीखा कुछ, बहुत कुछ सीखा अच्छी। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की भाई, मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की, मतलब यूट्यूब में तो नहीं, मेरे पर्सनली जो भी दोस्त हैं मेरे मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तेरे को काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी। तो जॉब भी करनी है और ब्लॉगिंग भी, मतलब ब्लॉगिंग भी कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे दिन हो रात हो, बारिश हो, फिर भी स्नोफॉल हो, ये जो ऐसे यहाँ पर आपको हमेशा टूरिस्ट मिलेंगे। तो भाई होने भी चाहिए अपने उत्तराखंड में, जगह ऐसी है मसूरी, तो मेन मसूरी नहीं है, मसूरी रोड है, तो यहाँ पर हमेशा ऐसे रहता है साल भर। तो भाई देखिए वो छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं रास्ते में यहाँ पे, तो ये जो जगह है यहाँ से जाऊँगा मैं वापस, और ज़्यादा ऊपर नहीं जा नहीं रहा हूँ, मूड नहीं कर रहा अभी। और अब यहाँ पे मैं कुछ खाऊँगा, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मिलती है यहाँ के पकोड़े। तो ये मसूरी का जो एक चेक पोस्ट आता है आगे, जहाँ पे आपकी टोल टैक्स कटता है, उससे पहले एक शॉप पड़ती है, तो यहाँ मिलते हैं पकौड़े और लेमन सोडा, बहुत मस्त। तो अभी खाता हूँ फिर बताता हूँ आपको कैसा है। We'll be right back.
तो भाई पकौड़े तो ऐसे हो रहे हैं नेक्स्ट लेवल। और हमने लिया शिकंजी, शिकंजी बहुत मस्त है आगे, लेमन सोडा जो दूसरा गिलास है दूसरा पी रहा हूँ। तो गलती से मैंने एक मिक्स का पकौड़ा खा लिया था जिसने मेरे आँख से नाक से मुंह से हर जगह से पानी निकाल दिया। बहुत मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बड़ी तीखी है। तो मजे लेते हैं थोड़ी देर पकौड़े के, तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो यार अब निकलते हैं यहाँ से। तो काफ़ी देर तक रुक गया मैं यहाँ पे, मैं अराउंड एक घंटा हो गया मुझे यहाँ। और मुझे एक अपने सब्सक्राइबर भी मिला है मुझे अभी यहाँ पे, कह रहे थे भैया मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। तो बस निकलते हैं अब, चलो। गोरदिन पशु घर के सामने, तो अभी टाइम हो रहा है 2:18, 2:18। तो आज का जो ब्लॉग है वो इतना बड़ा होगा नहीं, मतलब चलो अंदर कैंडी। क्या कर रहे हैं? कैंडी बच्चों को डराते थे। चलो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और अभी टाइम हो रहा है 5:45, तो अब टाइम हो गया है वीडियो एंड करने का। और होप करता हूँ आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलता रहूँगा आपको किसी अच्छी वीडियो पे, इससे भी अच्छी वीडियो पे। टिल देन गाइस स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एंड चाओ चाओ।